दोस्तों, अगर आप भी भारत की शानदार जीत से खुश हैं, चाहते हैं वर्ल्ड कप जीते, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुपर हिट में लगातार भारत की जीत को देखकर बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत पर हार्दिक पांड्या को इस सदी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताते हुए पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपनी पूरी टीम और बाबर आजम को इनसे सीखने की नसीहत दी है। आखिरकार भारत की जीत और खास तौर पर पांड्या पर एक से बढ़कर एक पाकिस्तानी दिग्गज ने क्या कहा, एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे व रिंकू सिंह में सबसे बेहतर बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का रोमांच अपनी चरम सीमा पर है और कुछ ऐसी चरम सीमा पर हार्दिक पांड्या और इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी है। अब तक के इस वर्ल्ड कप में अनबीटेबल रहने वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने एक भी बार हार का मुंह नहीं देखा और शायद देखना भी ना पड़े, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जीत के घोड़े पर सवार है और एक घोड़ा हर किसी को हराता हुआ जा रहा है इस रेस में। लीग मैचेस में फतेह हासिल करने के बाद हमारा पहला मैच अफगानिस्तान से था सुपर एट में, जिसे हमने अच्छे तरीके से जीता और अब बांग्लादेश को खदेड़ा। बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने 23 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, विराट भी 30 से ज्यादा रन लगाकर गए और पंत के बल्ले से भी लगभग 34 रन निकले। तीनों पारियां ठीक थी, लेकिन सूर्य जैसे आउट हुए तब प्रेशर बढ़ गया और उस वक्त पर शिवम दुबे ने 34, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने तो 23 गेंदों में ही 50 रन की नाबाद पारी खेलकर 3 छक्के 4 चौके लगाकर भारत को 190 के पार पहुंचाया। 197 का टोटल टारगेट दिया गया पांड्या के 50 रन की शानदार पारी के बल पर, क्योंकि दोस्तों ये भारत द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट था इस बार के विश्व कप में। अब चेज करना हो और सामने अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाज हो तो थोड़ी मुश्किलात होती है। दोस्तों, पांड्या ने आते ही चौथे ओवर में लिटन दास का विकेट लिया, इसके बाद कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने स्ट्राइक करते हुए शाकिब अल हसन, तंजिद हसन और शांतो जैसे खिलाड़ियों को भी आउट किया। हाँ, दो पारियां जरूर निकल कर आई थी बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन अर्ली विकेट गिरने के चलते रन का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया और अल्टीमेटली भारत ने इस मैच को लगभग 50 रन के अंतर से जीता। दोस्तों, मैच तो बड़े अंतर से जीत गए, लेकिन मैन ऑफ द मैच बने हार्दिक पांड्या। एक बार फिर से गेंद और बल्ले से उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन जो किया, लेकिन पांड्या के साथ साथ भारत की परफॉर्मेंस को देखते हुए ना पाकिस्तानी दिग्गज भी अब तो भारत के फैन हो गए हैं। किसने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि शोएब अख्तर वीडियो पोस्ट करके हार्दिक पांड्या और भारतीय टीम पर कहते हैं, T20 वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लगता कोई एक भी टीम भारत के टक्कर की बची है, हर टीम को तो वो अब तक हराते हुए ही आए हैं और जब बात ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से लड़ने की होगी तब भी मैं 100% श्योर हूँ कि भारत का तिरंगा ही ऊपर रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस देखिए हार्दिक पांड्या की, बुमराह की, साथ ही साथ रोहित शर्मा की कप्तानी की, ये तीनों जब तक हैं इस टीम को कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, वसीम अकरम जैसे दिग्गज ने भी कहा, बाबर आजम को रोहित से कुछ सीखना चाहिए और हार्दिक पांड्या से बल्लेबाजी में, ये दोनों खिलाड़ी जब तक भारत देश के साथ रहेंगे पूरे टूर्नामेंट में ये टीम महफूज रहेगी और जीतती भी रहेगी, आपके साथ मेरी विशेष हैं। तो वही दोस्तों इंजमाम उलक भी कहते हैं, जीत हो तो ऐसी, अपने देश के लिए तो जीत देखे हुए आंखें तरस गई हैं, लेकिन पूरा यकीन है कि इस बार का विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम का है, उन्होंने सालों से मेहनत करी है और ये मेहनत का फल उन्हें मिलना भी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अफरीदी ने भी लिखा, गुड विशेस टू इंडियन क्रिकेट टीम, आप वाकई में वैसा खेल रहे हैं जैसा विश्व कप जीतने के लिए ज़रूरी है, बाकी टीमें तो फिर भी हारी हैं, आप एक दफा भी नहीं हारे और उम्मीद है आप वर्ल्ड कप जीतने से पहले हारेंगे भी नहीं। दोस्तों, से पहली बार हुआ है जब पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारत की जमकर तारीफ करी है। वैसे आप सभी भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच आज एक रोमांचक T20 मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 196 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दी और इसका पीछा करने के लिए आई बांग्लादेश की टीम 146 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई और इस मैच को 50 रन से हार गई, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 50, विराट कोहली ने 37 रन का योगदान दिया और कुलदीप यादव ने 3, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। हालांकि बांग्लादेश की टीम की तरफ से नजमुल संतो ने 40 रन का योगदान दिया तो अंजिम हसन, साकिब और रसान हसन को 2-2 विकेट मिले। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के बाद रोहित शर्मा ने बयान दिया है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाज गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते भारतीय टीम को जीत मिल गई है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली ने टीम को मजबूत शुरुआत दी थी और इसके बाद में ऋषभ पंत ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हार्दिक पांड्या ने किया, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन कर टीम के लिए अंतिम समय लगाया और टीम को बड़े स्कोर तक ले जाने का काम किया। ऐसे में हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम को 196 के स्कोर तक पहुंचने का भी मौका नहीं मिल पाता और बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आसानी से भारतीय टीम को परेशान करती हुई दिखाई देगी।
इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी में भारतीय टीम को मजबूती दिलाने का काम किया उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इस मैच के अंदर हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हमारी टीम को ओपनिंग विकेट दिलाया था और जिसके चलते हमारी टीम ने इस मैच के अंदर लगातार विकेट गिर जाने पर सिलसिला प्रारंभ किया है और हमारी टीम इस मैच को जीत गई है। हालांकि इस मैच में हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी के आग जसप्रीत बुमराह कुलदीप यादव दोनों ने बेहतरीन गेंदबाजी की जिसके चलते बांग्लादेश की टीम के खिलाफ भारतीय टीम को जीत दर्ज करने में आसानी मिल गई। ऐसे में आज के दिन भारतीय टीम को मिली जीत के बाद एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय टीम को कमजोर समझने वाली टीम आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ेगी और भारतीय टीम के हमारी टीम के खिलाफ बुरे तरीके से हारती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की जीत का असली कौन रहे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच आज खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए। हालांकि इस मैच में लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई बांग्लादेश की टीम भी लक्ष्य को अपने नाम नहीं कर पाई, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 50 रन का योगदान दिया। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। तो ऐसे में इस मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद बांग्लादेश की टीम के महान खिलाड़ी और तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने भारतीय टीम को बेईमान टीम बताते हुए हैरान कर देने वाला बयान जारी कर दिया, जिसमें बांग्लादेश की टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद अब काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश की टीम के खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाफ आज इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन करेंगे। भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाज और सभी बल्लेबाज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे जिसके चलते उनको जीत मिली है। दूसरी तरफ से हमारी टीम की तरफ से खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में भारतीय टीम को सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन करने के जरिए जीत नहीं मिली बल्कि भारतीय टीम को इस मैच के अंदर बेईमानी के चलते जीत मिली है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के चलते जीत मिलना भारत के बस की बात नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने इस मैच के अंदर बेईमानी के चलते जीत दर्ज करने की प्लानिंग को पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को मालूम है बांग्लादेश की टीम के खिलाफ जीत दर्ज करना काफी ज्यादा आसान नहीं है, इसी वजह से भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर बेईमानी के चलते जीत दर्ज करने की पूरी प्लानिंग की थी। इसके अलावा भारतीय टीम की तरफ से अगर एम्पायर भारतीय टीम का साथ देते तो बांग्लादेश की टीम के साथ पक्षपात नहीं करते तो शायद भारतीय टीम को इस मैच में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था और भारतीय टीम शायद इस मैच के अंदर हार भी सकती थी, लेकिन बेईमानी के चलते भारतीय टीम को इस मैच में जीत दर्ज करने का मौका मिला। और मेरा मानना है कि भारतीय टीम को आने वाले मैच में इसी तरीके से जीत दर्ज करने का मौका मिला तो माना भी जा सकता है कि भारतीय टीम पूरी प्लेइंग 11 के साथ पूरी प्लानिंग के साथ इस वर्ल्ड कप में उतरी है, जिसको देखकर वह जीत का ही दम लेंगे। लेकिन आज भारतीय टीम को जीत मिली है तो उसके पीछे बेईमानी का बड़ा हाथ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम को बेईमानी के चलते जीत मिली है या नहीं, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 196 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई बांग्लादेश की टीम ने 10 ओवर में 66 के स्कोर पर 3 विकेट दे दिए, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम को नुकसान हुआ और बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य को पीछा करने में असमर्थ रही है। ऐसे में भारतीय टीम को इस मैच में जीत मिल गई, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने भारतीय टीम की तारीफ की और भारतीय टीम की तारीफ करते हुए दिल जीत लेने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जीत मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इस मैच के अंदर भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई है, साथ में बाकी गेंदबाजों ने भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखा दिया है, जिसके चलते भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा मिल गया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कोई एक या दो खिलाड़ी जीत के असली हीरो नहीं है बल्कि भारतीय टीम के लिए बल्लेबाज और गेंदबाजों ने मिलकर बेहतर प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने का काम किया है, जो बताता है कि अब भारतीय टीम को आने वाले मैच में भी जीत दर्ज करने से कोई टीम रोक नहीं पाएगी। वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की है, साथ में गेंदबाजों ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है और बता दिया है कि भारतीय टीम को आसानी से हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ जिस प्रकार से इस मैच में जीत मिली है वह एक बात तो स्पष्ट कर देता है कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में आ चुके हैं। ऐसे में भारतीय टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए विरोधी टीम को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर जीत हासिल की है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं गेंदबाजों ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए टीम को शानदार जीत दिला दी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से जिस प्रकार से बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की थी उसके बाद बचा हुआ काम गेंदबाजों ने कर दिया, जिसके कारण आज टीम को जीत मिल गई है। अगर आज इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाज और गेंदबाज एक साथ मिलकर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करते तो शायद टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ता और टीम को जीत भी नहीं मिल पाती।
वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत ने तो बेहतरीन बल्लेबाजी की है, साथ में गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की है, जो बताता है कि भारतीय टीम कितनी ज्यादा मजबूत टीम अब बन चुकी है।